आज हम ये UTL का चार्जर रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें हम 48 वोल्ट पहले डिस्ट्रिक्ट करंट दे रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट करंट लगा रहे हैं। ये डिस्प्ले ऑन होने के बाद ऑफ हो गया। ये NPFC मॉडल है UTL का, और अब हम AC करंट दे रहे हैं इसमें। ये AC लगा दिए, AC का सिंबल आ गया। उसके बाद में ये यहाँ पे कोई ब्लिंकिंग ना ही कोई LED जल रहा है, ना ही स्ट्रीज बल्ब ऑन हो रहा है, और ये एक एरर आने लगा कुछ टाइम बाद। ये यहाँ पे 50% ये फैन भी ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, ये चल रहा है, आवाज़ दे रहा है। ये ऑफ हो गया फैन, और ये फिर एरर आने लगा। तो इसे हम अब कैबिनेट खोल के देखेंगे इसकी क्या दिक्कत है। तो हम AC और DC निकाल दे रहे हैं, करंट जो इसमें दिए थे, और अब ये पहले कैबिनेट इसका खोल ले रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है उसके बाद में देखते हैं। ये खोल लिए हैं पेज इसका, और सर्किट निकाल के देख रहे हैं। सर्किट निकाल ले रहे हैं पहले, इसमें देख ले रहे हैं कि दिक्कत क्या है। पेज इसका जो है डिस्प्ले वाला भी खोल ले रहे हैं, सर्किट का पेज खोल दिए हैं, तो डिस्प्ले वाला भी पेज खोल ले रहे हैं ताकि उस डिस्प्ले में दिक्कत ना हो, टूटे ना। सर्किट निकालने के बाद चेक करेंगे इसका, सबसे पहले MOSFET चेक करेंगे, और उसके बाद में डायोड वगैरह उसको चेक करेंगे इसमें दिक्कत क्या है। तो मेंस आ रहा है लेकिन एम्पेयर नहीं उठ रहा है, और ना ही जो है डिस्प्ले सही से काम कर रहा है। सर्किट निकाल, ये डिस्प्ले पहले निकाल लेंगे। आराम से, और उसके बाद में सर्किट निकालेंगे। ये सर्किट उसका निकाल के, ये बहुत सारा इसमें धूल गर्दा है, इसको पहले साफ़ कर लेंगे ब्रश से, बहुत ज़्यादा इसमें गर्दा गुब्बार है। ये NPFC मॉडल सर्किट है UTL का, और अब सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे, AC फ्यूज। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर कर लिए हैं, और ये फ्यूज चेक कर रहे हैं। तो फ्यूज का कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है, फ्यूज का यानी फ्यूज उड़ा हुआ है। अब उसके बाद में MOSFET चेक करेंगे, तो ये MOSFET पे 00 आ रहा है, यानी इसका MOSFET फॉल्ट कर गया है, शॉर्ट हो गया है MOSFET। तो अब MOSFET को निकाल लेंगे, और यहाँ इंडक्टर पे भी बहुत सारा ये कचरा जमा हुआ है, इसको भी साफ़ कर लेंगे, और डायोड चेक कर रहे हैं। तो डायोड हमारा ये सर्किट का जो है सही बता रहा है, डायोड उसका सही है, MOSFET उड़ा हुआ है। तो MOSFET निकालेंगे इसका,
यहाँ पे भी बहुत सारा ये धूल गर्दा जमा हुआ है, इसको साफ कर दे रहे हैं। तो ये मास्पेट निकालेंगे, इसके बाद में वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जीनर लगा हुआ है उसको भी, और कैनिस्टर जो लगा हुआ है उसको भी चेक करेंगे कि और तो कुछ शॉर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे जो मास्पेट लगा हुआ है ये किस नंबर का है, ये मास्पेट इसमें जो लगा हुआ था 48N60M2 ये मास्पेट है, और अब दूसरा मास्पेट इसी नंबर का लगाएंगे। यहाँ पे LED मास्पेट जहाँ लगा हुआ था यहाँ पे LED लगा के भी चेक करवा दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें डिस्प्ले लगाना पड़ेगा और DC 48 वोल्ट दे देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे दो LED लगाएंगे, चेक कर लेंगे ये कि पल्स हमारा दोनों साइड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी एक साइड पे भी नहीं आएगा तो मास्पेट दिक्कत कर जाएगा। तो इसका जो लेग होता है LED का, ये इधर जो है ये पेचकस स्क्रू ड्राइवर जहाँ पे रखा हुआ है ये इधर नेगेटिव वाला है और इधर पॉजिटिव, उसके बाद में इधर नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, यानी जो मास्पेट लगा हुआ था इस तरह से, तो ये ऐसे ही मास्पेट लगा हुआ था। तो इसके इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव रहेगा, इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव रहेगा LED का। ये पहला लेग और ये तीसरा लेग, तो पहले बीच वाला छोड़ के उसके बाद में डिस्प्ले भी लगाएंगे तभी ये ऑन होगा, लेकिन माइक्रो ICU उसी में लगा हुआ है डिस्प्ले में। ये दो LED लगा ली हैं इसलिए कि यहाँ पे जो मास्पेट पे वोल्टेज आता है मास्पेट ऑन होने के लिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे एग्जूम वगैरह में भी इसी तरह से लगा के चेक करते हैं। तो ये डिस्प्ले भी इसका लगा रहे हैं, ये लगा दिए डिस्प्ले, और 48 वोल्ट करंट इसमें देंगे सर्किट में। थोड़ा साफ कर दिए, यहाँ पे डस्ट जमा हुआ था, बस ये डिस्प्ले कायदे से लगा दिए हैं अच्छी तरह से, और बस अब इसमें 48 वोल्ट DC देंगे। जी डिस्प्ले ऑन हुआ और उसके बाद में बंद हो गया, अब AC सप्लाई देंगे। सीरीज बल्ब के द्वारा AC दे रहे हैं इसमें, ये AC का सिंबल भी ऑन हो गया, और ये जो है LED, ये दोनों LED जल रहा है, यानी हमारा ड्राइव पल्स ओके है, और ये एरर बताने लगा। अगर मास्पेट उड़ा रहेगा जो जिस तरह से बता रहा था चेक करवाए थे अभी, तो ये एरर बताने लगा, तो ये हमारा दोनों LED यानी दोनों मास्पेट पे वोल्टेज आ रहा है, ड्राइव वोल्टेज आ रहा है जो IC पल्स से होके आता है ट्रांजिस्टर के द्वारा, और वहाँ पे जो जीनर रेजिस्टेंस जो भी लगा हुआ है ये सब सही है इसीलिए ये बता रहा है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। उसके बाद में वहाँ LED निकाल देंगे और मास्पेट लगाएंगे। अभी हमारा सर्किट चेक हो गया कि हमारा ड्राइव पल्स आ रहा है, डिस्प्ले निकाल लेंगे और मास्पेट लगाएंगे।
तो ये नया वाला 48N 60 MOSFET है, ये 48N 60 MOSFET है। ये लगाएंगे तो ये MOSFET लगाने जा रहे हैं, इसमें पेस्ट भी लगाएंगे, हीट सिंक कंपाउंड भी लगा देंगे। उसके बाद में वहाँ पे लगा देंगे, दोनों MOSFET में हीट सिंक कंपाउंड लगा दिए हैं, तो MOSFET वहाँ पे लगाएंगे, MOSFET लगा रहे हैं। वहाँ पे जो लगा हुआ था MOSFET पे पैकिंग, उसको भी दे, उसको भी लगाना है। ये जो लगा हुआ था, अगर ये नहीं रहेगा तब MOSFET लगाते ही उड़ जाएगा, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से रखते हुए लगाना है। बेस टाइट कर दे रहे हैं दोनों, और MOSFET अब सोल्डरिंग कर देंगे, उसके बाद में चेक करेंगे कि हमारा चार्जर ओके हुआ कि नहीं। तो अब सोल्डरिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर दी है, MOSFET लगा दी है इसमें प्रॉपर तरीके से, MOSFET सोल्डरिंग हो गया है, और थोड़ा सा पेट्रोल से साफ भी कर देंगे, उसके बाद में मल्टीमीटर से वहाँ का रेंज भी चेक कर लेंगे कितना कितना रेंज आ रहा है। तो मल्टीमीटर रेजिस्टेंस मोड पे करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे रेंज कितना शो कर रहा है। छब्बीस, पच्चीस, एक चेक हो गया और दूसरा लगा के चेक करना है, पहले और तीसरे पे लगा के चेक करना है। ये भी पच्चीस पच्चीस, ये भी पच्चीस, वो भी साढ़े पच्चीस के आसपास दोनों, ये रेंज आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस वगैरह जो इसमें लगा हुआ था वहाँ पे अगर दिक्कत होता तो ये रेंज नहीं आता। अब हम डिस्प्ले लगाने के बाद, डीसी करंट देने के बाद एसी करंट देके चेक करेंगे, ऐसे ही बिना अभी बॉक्स में पहले नहीं फिट करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि कोई दिक्कत तो और नहीं है, एम्पेयर हमारा उठ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये कनेक्शन यहाँ का सारा लगा देंगे, ये फैन वाला है। डीसी दे दिए, इसमें तो ये एसी फ्यूज भूल गए थे, तो ये ख़राब वाला निकाल दिए हैं, इसमें इस तरह से लगा था, तो इस पर यहाँ पर हम इस तरह का लगाएंगे। फ्यूज लगाने के बाद टेस्ट कर रहे हैं, ये डीसी करंट दे दिए हैं, डिस्प्ले ऑन होके बंद हो गया, अब एसी सप्लाई लगा रहे हैं। ये बल्ब हल्का सा ग्लू किया था, जला था, उसके बाद में बंद हो गया, और यहाँ पे एसी एसी लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, तो अभी इसमें कुछ माइंस का प्रॉब्लम है, ये बल्ब ऑन नहीं हुआ, अगर एम्पेयर उठता तो ऑन हो जाता, तो हम देख ले रहे हैं इसमें क्या दिक्कत क्या है। तो ये डिस्प्ले में ही हमारा प्रॉब्लम था, यहाँ पे हम सारा वोल्टेज चेक कर लिए थे, अब वीडियो में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे सारा वोल्टेज चेक कर लिए हैं। यहाँ पे एसी जो है डायोड जो लगा रहता है, एसी से डीसी होके कैपेसिटर से
तो यहाँ पे 300-350 वोल्ट के आसपास रहता है, उसको चेक कर लिए थे। और यहाँ पे डीसी वोल्टेज भी चेक कर लिए थे, यहाँ पे एक मास्पेट लगा हुआ था ये, इसको भी चेक कर लिए, सब सही था। तो डिस्प्ले हम दूसरा नया लगा के ये देख लिए हैं, हमारा ये डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है, इसको हम इसलिए ये लगा दे रहे हैं। और ये हम एक बार फिर से इसको लगा के दिखा दे रहे हैं, हम दोबारा लगा के चेक कर लिए, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इसको हम ये नया वाला लगा के, तो ये पुराना वाला डिस्प्ले निकाल दिए हैं और ये नया डिस्प्ले लगा दिए हैं और डीसी लगा रहे हैं। एक बार एलईडी जला, ऑफ हो गया, उसके बाद में सीरीज बल्ब के ही द्वारा चेक कर ले रहे हैं। और ये हमारा एसी बल्ब ऑन हो गया, ये हमारा सीरीज बल्ब भी ऑन हो गया। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगा के यहाँ पे चेक करेंगे, ये सिंबल ऑन हो गया एसी का जो नीचे दिख रहा है। ये हमारा चार्जिंग ब्लिंकिंग यानी एम्पियर आ गया, ये फैन भी ऑन हो गया। और एम्पियर हमारा ये यहाँ पे 18 के आसपास आ रहा है। अब ये हमारा चार्जर रुक गया, अभी हम फिट कर देंगे इसे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं रह गया इसमें, अब सारा हम सब कुछ चेक करवा दिए हैं। अभी हमारा चार्जर रुक हो गया।